नमस्कार, वीवीएस न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। सड़क दुर्घटना में प्रसूति बहू को बैगनर से अस्पताल ले जा रहे ससुर की हुई मौत। इधर महिला ने कन्या को दिया जन्म। अस्पताल जाने के दौरान चालक असंतुलित हो गया, जिससे गाड़ी पेड़ में जा टकराया। साथ में जा रहे तीन महिलाएं एक चालक गंभीर रूप से घायल। मृतक की पत्नी की स्थिति दयनीय बताया जा रहा है। जी हाँ, अमनौर NH 73 अमनौर सोनहौ मुख्य पथ के बीच छपरा अभिमान विद्यालय के निकट अनियंत्रित एक वैगनर गाड़ी पेड़ से जा टकराया, जिसमें एक 62 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई, जबकि सवार मृतक की पत्नी समेत तीन महिला एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना गुरुवार की है सुबह की। मृतक व्यक्ति स्थानीय थाना क्षेत्र के बिशनपुर पिपराही गांव के संत लाल सिंह पिता मोही लाल सिंह बताया जाता है। घायलों में मृतक की पत्नी रीता देवी, इनकी प्रसूति बहू नीलम देवी, मंजू देवी, वहीं चालक संदीप कुमार शामिल हैं। मंजू देवी और रीता देवी की दयनीय स्थिति बताया जाता है। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद डॉक्टर ने दोनों को पटना रेफर कर दी, जबकि प्रसूति महिला नीलम देवी ने 101 बच्ची को जन्म दिया और डॉक्टर ने बताया कि जच्चा और बच्चा दोनों पूर्ण रूप से सुरक्षित।